नगर पंचायत करसोग में लाखों रुपए के विकास कार्यों संबंधी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पिछले 10 दिन से टेंडर अभी तक नहीं खुल पाए हैं। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया आवेदन 9 सितंबर को पूरी हो चुकी है। 11 सितंबर को टेंडर खुलने संबंधी कार्रवाई अमल में लाई जानी थी, समय अनुसार यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते आगामी कार्य भी जहां रुका हुआ है, वहीं अभी तक यह भी असमंजस बना हुआ है कि नगर पंचायत करसोग के लगभग 12 विकास कार्यों के संबंधी टेंडर कब खुलेंगे। इस बारे में नगर पंचायत करसोग के सहायक अभियंता राजेश चौधरी ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता छुट्टी पर गए हैं, उनके बिना यह टेंडर नहीं खुल सकते। कार्यकारी सचिव वह तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि वह प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, अब सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को अपना काम करना है, उसमें अवश्य देरी हो चुकी है। उधर नगर पंचायत उपाध्यक्ष ममता गुप्ता ने कहा कि सहयोग न मिलने के चलते नगर पंचायत के लगभग एक साल बाद जो टेंडर लगे वह नहीं खुले हैं और इससे लोग काफी नाराज हैं। नगर पंचायत में ना 9 तारीख को ऑनलाइन जो है टेंडर हुए हैं और 11 को खुलने ऐसा कुछ बताया गया है जी, वो अभी तक नहीं खुल पाए हैं, तो उसके क्या कारण है सर, कब तक खुलेंगे? ऑनलाइन टेंडर 12 या 13 लगे हुए हैं और मेरी तरफ से जो उसमें कार्रवाई होनी थी वो हमने कर दी है। अब उसके बाद उसको खोलने की प्रक्रिया SDO जो नगर पंचायत के हैं, जो मंडी में बैठते हैं, और जेई कंसर्न इनके द्वारा की जानी है। जी SDO साहब ने आज भी आना था टेंडर खोलने के लिए, लेकिन जेई मेरे को 4 दिन का अवकाश दे के शिमला जाने का कहकर छुट्टी पे चला गया है। अब बिना जेई के और बिना SDO के वो नहीं खुल पाएंगे, तो अब जब आएंगे वो तब खुल पाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि प्रशासनिक कार्य पूरा है और SDO साहब ने जो तकनीकी काम उन्होंने देखा, बस तकनीकी बिडे भी खुलेगी और जो भी उसमें प्रक्रिया रहती है वो तकनीकी तौर पे ही SDO और JEE ने पूरी करनी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। नगर पंचायत में ना जी विकास कार्यों को लेकर टेंडर किए गए थे जिनको भरने के लिए 9 सितंबर का समय था और खुलने की तारीख क्या थी जी, थोड़ा जानकारी देंगे आप? नगर पंचायत के जो अभी 12 टेंडर हुए थे उसकी 9 तारीख लास्ट डेट थी भरने की, और जो टेंडर हुए हमारे वो 11 तारीख को खुलने थे, पर 11 तारीख को SDO साहब जो है टेक्निकल बेस पे खुलने थे, तो SDO साहब नगर पंचायत में नहीं आए, और जब कॉल की उनको तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, और उसके बाद जी साहब चले गए छुट्टी। आज फिर से SDO साहब ने आना था, आज का टाइम दिया था, तो जी साहब छुट्टी पे चले गए हैं, और इस वजह से SDO साहब ने जो है मना कर दी कि टेक्निकल आदमी जो है जेई है नगर पंचायत के टेंडर खुलने पे उन्हीं के साइन होने हैं, इस वजह से जो है हमारे टेंडर लेट हो रहे हैं। तो चेयरमैन आप नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो अगर टेंडर देरी से खुलेंगे तो विकास कार्य जो है लटक रहे हैं? जी बिल्कुल, नगर पंचायत के कार्य ऐसे भी थोड़ा धीमी गति से चले हुए थे जिसके कारण लोग बहुत नाराज थे, तो हमें एक आस लगी हुई थी कि 11 तारीख जो है फिक्स डेट थी एक 11 तारीख जिसमें टेंडर खुलने थे, पर SDO साहब की उपस्थिति नहीं हुई, तब नगर पंचायत के जेई यहीं थे, और उसके बाद उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने उस टाइम भी उपस्थिति नहीं दी, आ जाने के लिए कहा 11 तारीख की डेट के लिए, तो उन्होंने आज मना कर दी कि आपका जेई छुट्टी पे है, और इन्फॉर्मेशन जो है पता नहीं उनको किससे मिली या ऑफिस से गई कि जेई साहब छुट्टी पे गए हैं, तो उन्होंने आने के लिए मना कर दी कि जेई होंगे तो ही टेंडरों को खोला जाएगा। दिव्य हिमाचल TV के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।